रांची थाने के सामने सचदेवा मेडिकल स्टोर स्थित है, जहां पर कुलदीप सचदेवा मेडिकल स्टोर के संचालक हैं। मेडिकल स्टोर में स्कूटी सवार दो अज्ञात शख्स पहुंचे और बिना किसी वजह के उन पर हमला कर दिया। अज्ञात तत्वों ने उन पर चाकू से वार किया, जिसे उन्होंने अपने हाथ से रोक लिया। इस चाकूबाजी की घटना में कुलदीप सचदेवा के हाथों में घातक चोट आई है। मामला पुलिस में दर्ज कर लिया है, जहां पर साथ ही में कुलदीप को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची पुलिस स्कूटी सवार अज्ञात आरोपी की तलाश कर रही है। बताइए क्या हुआ? कुछ विवाद नहीं था, कुछ विवाद नहीं था, किसी के साथ कुछ था भी नहीं, उसका कभी ऐसे कुछ बात हुई नहीं है। और पता नहीं कैसे आया और हम लोग को पता चला कि वो पहले पन्नी काटी अज्ञात लोग थे और उन्हें आके सीधे हमला कर दिया। पहले दुकान की पन्नी थी, वो उसको काटने लगे और फिर बाद में वो डर गया कि ऐसा क्या कर रहा है वो, तो उसने ब्लेड मारा तो वो पीछे भी नहीं हो पाया कि अब समझ ही नहीं पाया कि ऐसा क्या कर रहा है वो। हाथ लिए थे, किसी से हमला किया? चाकू था उनके हाथ में, उनके हाथ में हथेली में था। क्या नाम भैया का वो काम किया? कुलदीप सिंह सचदेवा। सचदेवा क्या काम करते? सचदेवा मेडिकल स्टोर थी उनकी, रांची थाने के सामने। रांची थाने के सामने। आपका नाम? मैं उसका बड़ा भाई हूँ, कवलजीत सिंह सचदेवा जी। भैया ये अपने कस्बा रांझी में सचदेवा मेडिकल है, इसके जो ऑनर हैं कुलदीप सिंह सरदार जी, अपने आज शाम को लगभग 7:15 बजे अपने मेडिकल शॉप पर थे। अचानक इस दौरान स्कूटी से दो सवार अज्ञात व्यक्ति आते हैं और इनसे विवाद करते हैं और चाकू मारते हैं। चाकू सरदार जी अपने जो कुलदीप सिंह जी, इनके दाहिने हाथ की कलाई में गदेली में चोट आई है और अभी ऑब्जर्वेशन में है। यहाँ पर भंडारी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। इनकी रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपराध कायम करके विवेचना की जा रही है और विवेचना के दौरान जो भी तथ्य आएंगे अज्ञात आरोपियों के संबंध में उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।